पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बुधवार सुबह किसान जब दिल्ली चलो मार्च के तहत आगे बढ़ने लगे तब उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। यही वजह रही कि तब मौके पर जमकर बवाल हो गया। हालांकि इस बीच किसान नेता लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील करते रहे कि किसान आगे ना बढ़े। वहीं इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए कहा है कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली के विषय और किसानों के खिलाफ एफआईआर आदि पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे लोग दिल्ली कूच को लेकर योजना बना रहे हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चंडीगढ़ में है, आगे की रणनीति में वो लोग तय करेंगे। ये मीटिंग आमने सामने बैठकर की जाएगी जिसमें देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए, अगर ये नहीं बना तब पूरे देश को नुकसान होगा। सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं मान रही है, लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरअसल बीते एक सप्ताह से लगातार किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। चार दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, अगर आप एमएसपी पर गारंटी नहीं दे सकते तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो पोस्ट किया है पाँचवें दौर की बातचीत को लेकर, अब देखना ये है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर वो कह तो रहे हैं कि बातचीत होगी, लेकिन क्या किसान मान पाएंगे इस बातचीत को, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं उससे आने वाले समय में अगर हालात ऐसे रहे तो नुकसान किसानों को हो सकता है।